हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। सब कुछ कहने से पहले, क्यों बांग्लादेश वालों सूजी है? मजा आया यार, ये क्या है यार, 11 आवर्स में चेज कर लिया वे उन लोगों ने। इतना भाई मुश्किल से टुक टुक करके चौके बाहर के आखिर पे थोड़ा सा चले वो 127। स्टार्ट में विकेट गई है ना, मैं क्या था उनसे विकेट रोल ने पहला ओवर कराया, डेब्यू था पहला मैडम। अबे भाई मैडम वही ना, खौफ फैला दिया मयंक यादव ने, मैडम ओवर करा दिया भाई। भाई आपको मर्जी की बात बताऊं, हाँ यार भाई अगले 127 दिए, 11 ओवरों में इन्होंने चेस कर लिया। हार्दिक पांड्या ने क्या फिनिश किया, कुछ हाँ भाई यार हार्दिक पांड्या ने 16 बालों पे 39 बनाए। वो शर्मा की एक छोटी सी इनिंग थी लेकिन देखो उसकी भाई यार वो रन आउट हो गया, रन आउट हो गया, सीरियसली रन आउट हो गया यार, मजा है। लेकिन छोड़ा फिर पीछे क्या कहते हैं सूर्य कुमार यादव ने, वो भी आता है। पहले भाई देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो काउंटिंग करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। भाई अगर नजर से बचाने के लिए टीम इंडिया को काला टीका लगवाना शुरू करें ना तो जगह कम पड़ जाएगी, इतने काले टीके लगाने पड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं रौनक रणतंत्र, देख रहे हैं आप इंडिया बांग्लादेश T20 सीरीज स्पेशल है ये। कल क्या मैच हुआ लगेगा कि ये क्या मैच हुआ, नॉर्मल सा तो मैच था। लो स्कोरिंग बांग्लादेश वाले रन ही नहीं बना पाए और इंडिया ने तुरंत बना दिया। लेकिन अगर ये मैच आपको लो स्कोरिंग लग रहा है तो इसका मतलब है कि आप क्रिकेट के नॉर्मल फैन हो, क्योंकि अगर पारखी नजरों से देखा होता तो आपको समझ में आता कि भाई क्या क्या हो गया कल के मैच में। आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं कल मैच में क्या हुआ। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग ली, यानी साफ था कि सूर्य कुमार यादव को मैच जल्दी खत्म चाहिए। पहला विकेट टीम इंडिया को पहले ओवर में मिल गया और फिर विकेट मिलते रहे। बांग्लादेश की पारी लड़खड़ाकर ऐसे गिरी जैसे हम आपके हैं कौन में सलमान खान की भाभी रेणुका शाहने सीढ़ी से गिर जाती है। सिर्फ कप्तान शांतो और मेहंदी हसन मिराज थे जिन्होंने अपनी मैच फीस जस्टिफाई करने की कोशिश करी, लेकिन इन दोनों के खेलने से कितना कमाल हो सकता था बताइए। बांग्लादेश 127 बनाकर ऑल आउट हो गई और टीम इंडिया ने टारगेट 49 गेंद और 7 विकेट रहते हासिल कर लिया। दोपहर में हमारी लड़कियों वाली इंडियन टीम ने पाकिस्तान को हराया था और शाम को हमारे लड़कों वाली इंडियन टीम ने ईस्ट पाकिस्तान को हरा दिया। दोनों पड़ोसियों का तबीयत से आदर सत्कार किया गया है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आखिर क्यों मुझे कल का मैच देखकर ज्यादा मजा आया। कल दो खिलाड़ियों का डेब्यू हुआ था बाबा, नीतीश कुमार रेड्डी और मयंक यादव। जिस हिसाब से बीसीसीआई वाले प्लेयर्स का रिव्यू कर रहे हैं ऐसा लगता है कि आईपीएल ऑक्शन से पहले सिर्फ धोनी ही अनकैप्ड खिलाड़ी बचेंगे। खैर हमें उससे क्या मतलब है, हमें तो मतलब था मयंक यादव को देखने से जिनका कंपैरिजन शोएब अख्तर और ब्रेटली से हो रहा था। और देखो पहले ही मैच में ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन राहुल जी मयंक की बॉलिंग देखकर आपको कैसा लगा? मजा आया भैया। पहले ओवर में आते ही यादव जी के लड़के ने मेडन ओवर फेंका, मतलब समझ रहे हो T20 इंटरनेशनल में एक गेंदबाज अपना पहला ओवर फेंक रहा है और वो भी मेडन। मुझे नहीं लगता है इससे पहले और किसी खिलाड़ी ने ऐसा किया। अगर किया है और आपको पता है तो कमेंट करके बताना कि डेब्यू करते हुए किसी T20 इंटरनेशनल में मेडन ओवर किसी खिलाड़ी ने डाला हो। सिर्फ इतना ही नहीं, मयंक की 150 किलोमीटर की रफ्तार की गेंद से बांग्लादेश वाले साफ तौर पर खौफ में दिख रहे थे, जैसे एक वक्त पर ब्रेटली और शोएब अख्तर की वजह से सामने वाली टीम के बल्लेबाज खौफ में रहते थे। तो अब क्या इसको ये कहना सही है कि इंडिया को अपना शोएब अख्तर मिल गया है या अभी जल्दबाजी हो जाएगी, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। खुश होने की वजह नंबर दो, वरुण चक्रवर्ती। चक्रवर्ती को भी इस मैच में मौका मिला और 3 साल बाद उनकी टीम इंडिया में घर वापसी हुई। मैच के बाद वरुण ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि उनका पुनर्जन्म हो गया है, लेकिन जिस बॉलर को दुबई के मैदान पर गॉन केस मान लिया गया था और यह कह दिया गया था कि यह खिलाड़ी अब इंडियन टीम में खेलने लायक नहीं है, उस खिलाड़ी ने मैच टर्निंग परफॉर्मेंस दी और अपने कमबैक वाले प्रेशर मैच में 3 विकेट लिए और यह दिखा दिया कि 2026 T20 वर्ल्ड कप में वो इंडिया के प्राइमरी स्पिनर बन सकते हैं। खुश होने का रीजन नंबर 3, संजू भैया। हालांकि संजू और भी ज्यादा बेहतर कर सकते थे मैचों में अंडा देने के बाद, जब फाइनली उनके बल्ले से रन निकले तो मेरे दिल ने चैन की सांस ली। टारगेट कम था और उस हिसाब से देखें तो 19 गेंद में बनाए गए संजू के 29 रन कोई खास मायने नहीं रखते। जिस तरीके से उन्होंने ये रन बनाए, उनकी स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, उनका बेखौफ अंदाज, ये सब ये बताने के लिए काफी था कि संजू को बहुत बैटिंग दी गई और उन पर किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं। आपको संजू की बैटिंग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ये सीरीज संजू के करियर की सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज साबित होगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो जरूर अपना थॉट शेयर करना, अपनी ओपिनियन शेयर करना, वरना अगर आप दिल तोड़ना चाहते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि भैया जैसे यशस्वी जायसवाल वापस आएंगे संजू से उनकी जगह छीन ली जाएगी, तो ये भी बता देना। जो भी आपको लगता है कॉमेंट करके बताना, चैनल भी सब्सक्राइब करके जाना और हमारे टीआरपी चैनल पर। अच्छा कोई प्लेयर नहीं है इसी के साथ यार वीडियो खत्म। जयसवाल तो यार उसको तो फिर
वो तो लेजेंड बंदा और बनेगा आगे जाके यार, चाहे जसवाल टेस्ट देख लो, चाहे वनडे देख लो, चाहे टी20 देख लो, उसकी जगह कोई अभी नहीं ले सकता। उसने संजू पसंद है, लेकिन यार जसवाल की जो जगह है ना वो कहीं भी नहीं है। हालांकि सारी यंग टीम थी अगर देखा जाए तो, मेन प्लेयर ही नहीं खेल रहे थे, कोई मेन प्लेयर ही नहीं था। और फिर क्या यार, मैं कहता हूँ एक जा रहा था दूसरा आ रहा था, एक जा रहा था दूसरा आ रहा था, बांग्लादेश का प्लेयर हार्दिक पांड्या ने विस्फोटिक गेम खेली घर पे। फिर हाँ भाई, बड़ो तेज खेला हार्दिक पांड्या यार, उसके छक्के चौके मजा आ गया यार उसको देख कर। ऐसी बैटिंग होनी चाहिए भाई, इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग हो गई है यार, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। चाहे टेस्ट देख लो, चाहे वनडे देख लो, चाहे टी20 देख लो, हर चीज में स्ट्रांग है यार। टी20 में तो तेज खेलती है, लेकिन आजकल वनडे देख लो, चाहे टेस्ट देख लो, उन्होंने टी20 बनाया हुआ है। मुझे क्यों लग रहा है, बंदे को समझ ही नहीं आती ये क्या हो रहा है। डब्ल्यूटीसी में भी इस बार पहले गए ऑस्ट्रेलिया, मुझे फुल तुम्हें लग रहा है, मुझे यकीन है तुम्हें लग रहा है, मुझे यकीन है बड़ा गंदा पहले गए और अपनी जो तीसरी बार फाइनल जा रहा है भारत डब्ल्यूटीसी के, और इस बार पहल के जीतेगा भाई। मैं एक बात बताऊं, उनको समझ नहीं आ रही थी, उनको समझ ही वाकई नहीं, उनको समझ ही नहीं आ रही थी ये बाल कहां पड़ रही है, क्या हिसाब किताब, कोई कैच दे रहा, कोई बाउंड्री पे दे रहा, कोई मैच दे रहा, कोई बोल्ड हो रहा है भाई। स्पीड उसकी बड़ी कमाल है, कुछ काम बोल रहे हैं बांग्लादेशी बोल रहे होंगे भाई हमारी फट गई, फट गई क्या, उन्होंने बेड़ा गरक कर दिया उनका पकड़ के, वो उनका बेड़ा गरक हो गया है यार। मतलब बांग्लादेश हमें पहल के चला गया, उधर पहला गया। मैं वही कह रहा हूँ अगर फर्ज करो, हमें तो बड़ा शौक चढ़ा हुआ है ना चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में कराने, अपने देश में हम परफॉर्म ही नहीं कर सकते। अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई, जिस तरह का हमारा इतिहास है और जिस तरह का ये 5-6 लगातार मैं कहूंगा 7 सीरीज हुई है, मुझे लगता है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में एक मैच भी नहीं जीतेंगे, एक भी नहीं जीतेंगे अपने देश में। हम मुझे लग रहा है हम पाकिस्तान में अगर में हम जीतना ही नहीं जानते, हम जीतना ही नहीं जानते, ये पता नहीं है जीप दुनिया की टीम में लगातार यार। ये बताओ, अपने देश में टीमें गेम नहीं हारती, इंडिया कभी हारा ही नहीं है, इंडिया तो चलो दूर बाहर जाके भी नहीं हारता, इंडिया हारता ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया अपने देश में बहुत मुश्किल से हारता है, अगर हारे एक आधा हार जाए तो कोई नहीं, हारते ही नहीं है वो भी, इंग्लैंड तो हारता ही नहीं है भाई ऐसी जगह। वर्ल्ड कप से पहले भी और वर्ल्ड कप के बाद भी इंडिया अनबीटेबल है, अनबीटेबल है भाई, कोई मैच उसने हारा ही नहीं है, हारा ही नहीं है, किसी तरीके से भी अगर देख लो वो विक्ट्री पे विक्ट्री लेता जा रहा है, वो अपने पता नहीं कितनी, मुझे अब गिनती भी मुझे अब नहीं आती कितनी टी20 सीरीज हैं, कितनी वनडे सीरीज हैं और कितनी टेस्ट सीरीज हैं जो इंडिया अभी तक अपने होम ग्राउंड में हारा हो, कोई जीती जीतता जा रहा है। 2020 से के 2018 से पता नहीं कितने सालों से भारत को हरा ही नहीं सके अपने होम ग्राउंड में, मतलब हरा ही नहीं सके, और इधर हम धड़ाधड़ हारते जा रहे हैं, आज हमारा टेस्ट मैच भी है, शायद हम ये भी हार जाए, फिर से फैल जाएगा हमें। तो आपको इसके कहने अपने लिए बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।